गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम द शिवानी, अकाउंट्स टीचर. टुडे वी डिस्कस द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, ऑल द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री अकाउंट्स कैटेगराइज्ड एज फॉलोज. फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट, सेकेंड वन इज रियल अकाउंट एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट. फर्स्टली डिस्कस द पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट इज रिलेट टू इंडिविजुअल फर्म और एन इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा. पर्सनल अकाउंट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटिव पर्सनल. नेचुरल पर्सनल रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, फॉर एग्जाम्पल मोहन, प्रोप्राइटर, कैपिटल एटसेट्रा. एंड आर्टिफिशियल पर्सनल रिलेटेड टू राम एंड सन्स, टाटा टी लिमिटेड एटसेट्रा. एंड लास्ट वन इज रिप्रेजेंटिव पर्सनल. द अकाउंट रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस एटसेट्रा. द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट. रियल अकाउंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, विच आर क्लासिफाइड इन टू further two parts, tangible and intangible. Tangible, which have a physical existence, for example cash, furniture, etc. Intangible real account, which do not have a physical existence but can be measured in terms of money, goodwill, patents, etc. The rule for real account is debit words comes in, credit words goes out. Last one is nominal account. Nominal account includes all the expenses and incomes. Example, salary paid, discount allowed, etc. The rule related to nominal account is debit all the expenses and losses, credit all the incomes and gains. Thank you.